तो मैं आपको गुफा दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा अंदर जाके, क्योंकि अपने ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये गुफा वाले हैं लबड़ा सुर की गुफा। मधुबन बिहारी जी के दर्शन भी कराएंगे साथ में। राधे राधे। आज हम जा रहे हैं मथुरा के तालवन 84 कोस यात्रा में स्थान आते हैं, हम वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। तो अभी हमें समय नेशनल हाईवे 2 मथुरा पर, तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आ गए हैं मधुबन धाम की जय श्री ध्रुव नारायण मंदिर। तो देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इस मंदिर की जो रास्ता है जय गुरुदेव के बगल से होकर आती है, जय गुरुदेव बगल के बगल में से, और यहाँ पर यह 84 कोस की परिक्रमा भी लग रही है। तो हम चलते हैं अभी मधुबन दर्शन करने के लिए, मधुबन बिहारी जी के ध्रुव कुंड के, चतुर्भुज मंदिर के, और अपने लबणासुर गुफा को भी देखेंगे। राधे राधे। ध्रुव नारायण मंदिर मधुबन में, ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर का प्रथम प्रवेश द्वार है, भारम ने आपको बोर्ड दिखाया था। तो ये एक लैंडमार्क है, एक आपको स्पॉट हो जाएंगे जब आप, इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आप मधुबन में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मधुबन बिहारी दर्शन, और इधर लिखा हुआ है लबड़ासुर की गुफा। तो चलते हैं आगे की तरफ, दर्शन करिए हमारे साथ। राधे 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 राधे। तो हम आ गए हैं ध्रुव नारायण मंदिर, यह वही स्थान है जहाँ पर श्री ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की थी, और यहाँ पर एक लबड़ासुर की गुफा भी है, जिसको जो कि राक्षस था, जिसका संहार जो है शत्रुधन श्री शत्रुधन जी ने किया था, राम जी के भैया ने। तो हम आपको वो गुफा भी दिखाएंगे। ऊपर पहले चल के दर्शन करते हैं ध्रुव टीला पर, और यहाँ देखिए आपको मोरों की आवाज़ भी आ रही है, और यहाँ पर 84 को उसकी परिक्रमा भी लग रही है। तो यहाँ पर मैं उन भक्तों का भी दर्शन हुआ, तो ऊपर चल के दर्शन करते हैं श्री ध्रुव जी के, ध्रुव टीला के ऊपर, उसके बाद लबणासुर की गुफा, और उसके बाद यहाँ पर एक कुंड है उसके भी दर्शन करते हैं। लिखा हुआ है ब्रज 84 कोस परिक्रमा के पहले पड़ाव मधुबन धाम में आपका स्वागत है। तो ये है श्री ध्रुव जी महाराज जी का मंदिर। तो हम ऊपर जाके दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। जय जय श्री राधे। तो देखिए यहाँ पर पौड़ियों पर लिखा हुआ है भक्ति पथ संत कृपा सत्संग। तो आपको भी दर्शन करने हैं यहाँ पर आके मधुबन के, और ऐसा वर्णन आता है कि मधुबन वृंदावन के 12 उपवन है, 12 उपवनों में से एक ये वन है मधुबन। तो आप ऊपर दर्शन करिए, उसके बाद श्री लबड़ा, उसके बाद हम देखेंगे लबड़ासुर की गुफा। राधे राधे। पटबंदे बाबा भी यहाँ लिखा हुआ है, सतयुग में स्वयंभू मनु के पौत्र राजा उत्तान पाद के पुत्र बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु श्री नारद जी की आज्ञा से यहाँ मधुबन में तपस्या की। बालक की तपस्या से प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान ने दर्शन देकर भक्ति की मनोकामना पूर्ण की। त्रेता युग में लवणासुर नाम के दैत्य को मारकर श्री राम के अनुज श्री शत्रुधन जी ने यहाँ तप किया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला करी। ब्रज के 12 वनों में से यह प्रथम वन है। तो यहाँ पर अभी पट बंद है ठाकुर जी के, अभी सहन कर रहे हैं। तो और कभी दर्शन करते हैं, अभी हम देखते हैं लबड़ासुर की गुफा। राधे राधे। तो चलते हैं लबड़ासुर गुफा की तरफ। हम चल रहे हैं लबड़ासुर गुफा देखने के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे सामने आपको भक्त दिख रहे हैं दर्शन करते हुए। ये 84 कोस यात्रा में आते हैं स्थान का दर्शन करने के लिए। आप भी अगर मथुरा वृंदावन आते हैं तो आप भी 84 कोस की यात्रा करिए, और भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। राधे राधे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि आपको भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही वातावरण एकदम सुखद हो रहा है हर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, हरियाली हो ही रही है, चिड़ियाओं की आवाज़, मोरों की आवाज़, और सामने आप देखेंगे राधे राधे। तो ये बहुत ही प्यारा और अच्छा स्थान है, आपको यहाँ के दर्शन ज़रूर कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एकदम शांति है। तो इस स्थान को मधुबन बोला जाता है, फिर आपको बता दूँ वृंदावन के 12 उपवनों में से एक ये वन है मधुबन। यहाँ की अपनी एक विशेष महिमा, हर स्थान की अपनी एक अलग अलग महिमा है, विशेष महिमा है। तो चलिए चलते हैं मधुबन बिहारी के दर्शन करने के लिए और लबड़ासुर की गुफा देखने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है शिव नारायण हरि की जय प्राचीन लबड़ासुर की गुफा। और अब देखिए हरियाली, देखिए सामने मोर। राधे राधे। मोर बिहारी सरकार की जय। ये देखिए जय हो प्रभु। सबसे पहले यहाँ पे हमें भैया मोर भगवान मोर बिहारी जी के दर्शन हुए, बड़ा आनंद आ गया। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो हेलो, चलो हम आए थे मधुबन बिहारी के दर्शन करने, तो हमें पहले मोर बिहारी जी के दर्शन हो गए, अब हम दर्शन करेंगे लवणासुर की गुफा के। मोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन।
खाए हो। दर्शन करने चलते हैं उस गुफा के जहाँ पर शत्रुघ्न जी ने उस लबड़ासुर जो राक्षस था उसका संहार किया था। तो आइए हमारे साथ राधे राधे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ये पतली रास्ता है और जमीन के अंदर हम आ चुके हैं। अभी ऊपर जमीन में थे, हम जमीन के अंदर आ चुके हैं और अभी देखिए फिर हमें इसके नीचे और उतरना है। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो हम आपको दिखाते हैं वो प्राचीन गुफा। ये है वो प्राचीन गुफा, लबड़ासुर की गुफा। तो मैं आपको गुफा दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा अंदर जाके, क्योंकि अपने ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये गुफा बताते हैं यहाँ से एक संत गए थे तो वो आज तक वापस लौट के नहीं आए और इस गुफा का दूसरा छोर यमुना जी की तरफ निकलता है। तो यहाँ पर मैं अगर 2 मिनट के लिए साइलेंट होता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ साउंड आती है हमें। और यहाँ पर देखिए गुफा में देखिए यहाँ पर ये मकड़ी वकड़ी और ये पूरी मट्टी है, मट्टी लगी हुई है। ये मतलब बहुत प्राचीन गुफा है, त्रेता युग की बताते हैं इसको। और हमें कंफर्म अभी हम कर लेंगे ऊपर महाराज जी से पूछ के। और यहाँ पर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं इन्होंने, चीटियों वगैरह ने। यहाँ पर पता नहीं ये क्या है किस चीज़ का बना हुआ है, लेकिन बहुत ही दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए यदि आप वृंदावन मथुरा आ रहे हैं, मधुबन बिहारी के और इस लबड़ासुर गुफा के। इसी गुफा में वो जो लबड़ासुर राक्षस था इसी गुफा में रहता था और ऐसा बताते हैं इस गुफा में उसकी पावर बहुत होती थी जब भी, तो वो इस गुफा में ही अंदर रहता था, बाहर निकलता ही नहीं था। तो भगवान ने लीला करी और लबड़ासुर राक्षस का संहार किया और फिर उसका उद्धार भी किया। तो आप फिर आपसे निवेदन यदि आप आ रहे हैं तो आप इस गुफा के दर्शन जरूर करें। श्री मधुबन बिहारी लाल की जय। तो इसी मधुबन बिहारी मंदिर पर हमें दर्शन होते हैं इस ध्रुव कुंड के। तो ये देखिए ये है वो ध्रुव कुंड प्राचीन। तो पानी थोड़ा यहाँ पर इसकी देख ही सकते हैं आप क्या है। तो हमें तो स्थान के दर्शन करने हैं। ये देखिए सामने ये कुटिया भी बनी हुई है पुरानी पुरानी। तो ये है आपका ध्रुव कुंड। तो आपने हमारे संग दर्शन किया श्री मधुबन बिहारी जी का, श्री ध्रुव कुंड का, श्री लबड़ासुर वो लबड़ासुर जी की गुफा का। हमें दर्शन नहीं हो पाए, मंदिर बंद था। तो हम चलते हैं फिर दोबारा आगे की तरफ। राधे राधे। आ गए मधुबन के कृष्ण कुंड में। तो कृष्ण कुंड का दर्शन करने से पहले हम इस कृष्ण कुंड को जान लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ब्रज 84 कोस के 12 वनों में या प्रथम वन है, या स्नान आचमन स्पर्श जप तप आदि करने से सीधा विष्णु लोक वैकुंठ प्राप्त होता है। सतयुग में बालक ध्रुव ने तपस्या कर मनोकामना सिद्ध की। त्रेता में भी शत्रुघ्न भगवान ने तप किया। द्वापर में ब्रजराज श्री कृष्ण ने गौचारण लीला करी। कलयुग में बल्लवाचार्य महाप्रभु जी के श्रीमद् भागवत पारायण कर वैष्णव जनों को द्वापर की कृष्ण लीलाओं का दर्शन कराया। तो ये है कृष्ण कुंड। अब हमारे संग दर्शन करिए कृष्ण कुंड का। राधे राधे। जय हो प्रभु। तो ये हमारा कृष्ण कुंड। जय हो राधा प्यारी की जय, कृष्ण भगवान की जय। लिखा हुआ है यहाँ पर ध्रुव नारायण मंदिर। तो यह है कृष्ण कुंड। चल के अब कृष्ण कुंड में से आचमन लेते हैं। जय हो प्रभु। जय हो। राधे राधे। हमने कर लिया आचमन। तो आप भी कृष्ण कुंड के जब भी दर्शन कर ले आए आचमन जरूर करें। आगे है ध्रुव नारायण मंदिर।